आगे का इंजन को बोनट खोलना है। तो बोनट खोलने के लिए यहाँ पर लीवर होता है, कहीं यहाँ होता है, अभी नई गाड़ियों में कहीं इधर होता है, कहीं इधर होता है। उस बोनट को अपने हिसाब से जहाँ पर होगा वहाँ से खोल लेंगे। इसको इस लीवर को हल्का सा ऊपर उठाएंगे, ये खुल गया। अभी हम ऊपर सेक्शन में आ रहे हैं। तो यह जो अब यहाँ पूरे में एक लीवर होता है छोटा सा यहाँ भी, तो इसको हमने ऊपर दबाते हैं ऊपर को, फिर उठा लेते हैं। अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग पोजीशन में होता है, कहीं दबा देते हैं कहीं उठा लेते हैं, दो में से एक कर लेते हैं। अब ये गाड़ी है, इसका पूरा इंजन यही है और इंजन के सारे कंपोनेंट वगैरह सब कुछ यही है। आप जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सेल्फ़ लेते हैं। सेल्फ़ लेते हैं तो हमें कौन सा कंपोनेंट है जो सेल्फ़ देता है, वही है। अंदर आ जाइए थोड़ा सा, ये वाला कंपोनेंट दिखाइए, ये कंपोनेंट है, ये सेल्फ है, ये सेल्फ है, ये इसका रिले है। तो और इसको पावर कहाँ से मिलती है, डायरेक्ट बैटरी से मिलती है। ये देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल है, सीधे यहाँ लगा हुआ है, और नेगेटिव टर्मिनल हमारे स्विचिंग से होकर के आता है। तो अब इसके सर्किट पूरा होता है या सेल्फ लेता है। अब यहाँ से सेल्फ लिया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में क्या हुआ कि उसको हवा चाहिए, तो हवा कहाँ से लिया, ये यहाँ से लिया, ये एयर फिल्टर है। इसी के जस्ट नीचे कार्बोरेटर होता है। कार्बोरेटर क्या करता है कि हवा और फ्यूल के मिक्सचर को समग्र रूप से बना करके और इनलेट मैनिफोल्ड में देता है, सिलेंडर के इनलेट मैनिफोल्ड जहाँ होता है तो वहाँ पर देता है। और अब आ गया जो फ्यूल बन गया, जो धुआं बन गया, वो देखिए यहाँ से निकलता है। यहाँ पर आउटलेट मैनिफोल्ड होता है, तो ये आउटलेट मैनिफोल्ड से निकल जाता है और फिर ये नीचे निकल करके साइलेंसर के माध्यम से होता हुआ बाहर निकल गया। यही चीज जो टर्बो इंजन होते हैं, यही साइलेंसर की जो धुआं होता है, पहला जो गर्मी हीट होती है वो टर्बो में जाती है, टर्बो चलता है। और उस टर्बो से हम क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर को, एयर को अंदर लेते हैं और फिर उसको एक रेडिएटर से कूल करते हैं। कूल करने के बाद में फिर इनलेट मैनिफोल्ड में डाल देते हैं। तो इनलेट मैनिफोल्ड में एक कांस्टेंट एयर का प्रेशर रहता है और उसी तरह से पेट्रोल के इनलेट मैनिफोल्ड पर एक हल्का सा इंजेक्टर में हल्का प्रेशर होता है फ्यूल पंप द्वारा। तो एक इनिशियल प्रेशर हम इंजन पर हमेशा देते हैं कि एक एयर प्रेशर मिलता है तो उसमें माइलेज टार्क ज़्यादा मिलता है, वो गाड़ियाँ एवरेज ज़्यादा देती हैं। और ये देखिए सिलेंडर कितने हैं, पता कैसे चलता है। ये देखिए यह एक दो तीन वायर निकले हैं, ये तीनों वायर तीनों सिलेंडर के स्पार्क प्लग पर गए हैं। यहाँ फोकस करिए, एक तो एक देखिए, एक प्लग, दो प्लग, तीन प्लग, ये तीन प्लग लगे हुए हैं और ये तीनों प्लग आकर के यहाँ से इस पार्ट से निकल रहे हैं। तो ये जहाँ से तीनों निकल रहे होते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है कि इंजन की को कब स्पार्क की ज़रूरत है उस टाइम पर इसको स्पार्किंग देना। अब इस यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक तार निकल रहा है, ये जहाँ चला गया ये पूरा हो गया इग्निशन कॉइल, ये हो गया इग्निशन कॉइल। और इग्निशन कॉइल का काम होता है कि यहाँ से हाई वोल्टेज करंट पैदा करना और यहाँ दे देना, और ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करके अंदर भेज दिया। अब आती है कि इंजन चलेगा तो गर्म भी होगा, तो गर्म होगा तो ठंडा करने का प्रोविजन भी है। तो उसके लिए देखिए रेडिएटर लगा हुआ है, ये रेडिएटर है। रेडिएटर क्या करता है कि हीट एक्सचेंजर का काम करता है, हीट इंजन की गर्मी को बाहर एटमॉस्फेयर में डिसअपीयर कर डिस्ट्रीब्यूट छोड़ देता है। और यह पानी है, ये जो गर्म होकर के आता है, ठंडा पानी नीचे से इंजन के अंदर जाता है। अब आप इधर देखिए, तीन बेल्ट पुलियाँ दिख रही हैं जिसमें बेल्ट चढ़े हुए हैं। तो यह पुली दिख रही है, इसके पुली, इसके नीचे एक पुली और है, वो इंजन के क्रैंक के ऊपर लगा हुआ है। इंजन के अभी देखिए, यह बेल्ट तीन पुलियों को कनेक्ट करता है। नीचे क्रैंक हो गया जिससे पावर मिला, यह ऊपर वाला क्या हुआ, पंप का है, जो पानी कूलिंग वाला पंप होता है उसको चलाने का काम करता है, यह वहाँ लगा हुआ है। और यह जो आगे लगा हुआ है, यहाँ देखिए ये लगा हुआ है, एक पुली है, यह क्या अल्टरनेटर है जो बिजली पैदा करता है गाड़ी की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। और इसी इसके नीचे जो पुली है, क्रैंक पर लगी है, उसमें एक बेल्ट और लगा हुआ है, उस दो पुली ये बेल्ट लगा हुआ है, यह सीधे एयर कंडीशन के ऊपर चला गया है। यह एयर कंडीशनर है, यह कंप्रेसर है एयर कंडीशन का। अभी देखिए, और अभी यार एसी भी हमको मिल गया, पावर यहाँ से मिल गई। अब बचता है कि इंजन ऑयल कहाँ से देखें। ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये देखिए, इस तरह का नाब लगभग हर इंजन में होता है, ये ऐसे निकाल लेते हैं। और ये देखिए, ये तो होता है, एक छेदा है, दो छेदा है, ये लेबल है मोबिल ऑयल का। तो अभी ये दिखा रहा है कि यहाँ तक है, ये बता रहा है यहाँ है,
इन दोनों के बीच में होना ही चाहिए और इसके आसपास है तो बहुत अच्छी बात है। इससे लेकिन ऊपर नहीं होना चाहिए, ऊपर होने का नुकसान है। और इस छेदा के नीचे हो गया तो इंजन सीज होने के 100% चांस है। बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको टॉप अप करके रखिए। और जैसे ही इसमें कार्बन ज़्यादा हो जाए तेल को तो बदलना है। और यहाँ ये पानी है जो रेडिएटर का, ज़्यादा पानी ज़्यादा हीट होता है, वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता है तो यहाँ आ जाता है। तो जितना एक्सेज होता है इसका देखिए लेवल है, लोअर लेवल है, अपर लेवल है। तो ये ड्राइवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपर लेवल से ऊपर ना हो, लोअर लेवल से नीचे ना हो, बीच में कहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ देखिए ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये होना चाहिए। और एक 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 ऐसे ही डब्बा इधर है, इस तरफ है। यह जो है जो हम विंडशील्ड है, शीशा है, उसके ऊपर जो वाइपर चलता रहता है उस पर पानी डालने के लिए रिजर्वायर होता है। इसमें 2 लीटर क्लास का पानी लगता है, इसमें डाल देते हैं तो ये पानी जो उठा करके ऊपर चला जाता है। अब वाइपर चलता है, यहाँ से पानी लिया। देखिए ये मोटर है जो कि वाइपर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसके सिग्नल आ जाते हैं और इसके जितने भी स्टेप हो चलते हैं। अब हमें ब्रेकिंग करते हैं, ब्रेकिंग करते हैं तो देखिए ब्रेकिंग के लिए यह है, ये पूरा मास्टर सिलेंडर है ब्रेकिंग के लिए, और यह रिजर्वायर है ब्रेक फ्लूड के लिए, और इसमें से देखिए 4 निकले हुए हैं, चारों पहिए में चले गए हैं डिस्ट्रीब्यूटर। तो एक मास्टर सिलेंडर में आप ब्रेकिंग करते हैं तो प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर डालते हैं, फिर पास्कल लागू होता है। चारों ब्रेक के हर पहिए के पास में एक ब्रेक सिलेंडर होता है। फिर हम क्लच दबाते हैं गाड़ी के अंदर, तो क्लच दबाते हैं तो ये वाला देखिए लीवर है, ये वाला लीवर है, ये लीवर यहाँ से खींचता है, ये अंदर की ओर जाता है। जैसे अंदर की ओर जाता है तो हमारा लीवर यहीं होता है, यहीं पर क्लच प्लेट वगैरह यहीं होता है। इसके इधर का गेयरबॉक्स वाला पार्ट है, यहाँ से गेयरबॉक्स का ऑयल वगैरह चेक करते हैं, फिलअप करते हैं, नीचे से निकाल लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पर हमारा फ्लाईव्हील है, यहीं ये जो काला काला से दिख रहा है ढक्कन, यहीं से ये फ्लाईव्हील है, ये यहीं से हमारा टाइमिंग वगैरह सेट करते हैं लोग। तो ये इधर में क्लच है और क्लच स्प्रिंग है, क्लच प्लेट, क्लच की पूरी असेंबली है। तो यहाँ से ये दबाते हैं तो ये क्लच का पूरा हो गया। अब ए बी सी तीनों हो गया। अब एक्सलेटर देखिए, एसी के अंदर एक्सलेटर ऐसे ही एक्सलेटर होता है, एक्सलेटर देते हैं। तो ये देखिए वायर आ रही है एक्सलेटर की, जो ब्रेक पैडल से आती है, हर एक्सलेटर पैडल से आती है, तो ये इसके नीचे ये जा करके कार्बोरेटर से अटैच हो जाती है। तो हमारे हमको ईंधन मिलता है यहाँ से एक्सलेटर से, यहाँ से ईंधन मिलता है, यहाँ दबाया तो ये मिल गया, वो क्लच मिल गया, यहाँ ब्रेक पैडल मिल गया, तो हमें इंजन से पावर मिल गई और हमें पावर को कंट्रोल करना है, वो क्लच से हम कर लेते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, तो उस हिसाब से काम करता है। और बाकी कुछ इलेक्ट्रिकल स्विचिंग वगैरह है, और मुझे लगता है इंट्रोडक्शन जितना होना चाहिए इतना पर्याप्त है।